तो हेलो गाइस, एक और बार स्वागत है हमारा और आपका हमारे ये एपिसोड में सुपर शोडाउन 3 में। तो कैसे हो यार आप? और आज हम सुपर शोडाउन का पार्ट 3 करने जा रहे हैं यार। तो लाइक कर लो फटाफट से, लाइक जरूरी है भाई, लाइक कर लो और सब्सक्राइब कर लो भाई जो नए हैं, और शेयर हेयर सब कर लो, मतलब तबाही से मचाओ। और अब वक्त है सुपर शोडाउन का रेसिडेंट इविल के दो सीरीज के दो पार्ट के बाद, और अगला पार्ट भी चल जाएगा रेसिडेंट इविल 2 का, तो वहाँ भी उसको सपोर्ट दिखाओ और यहाँ भी ड्रैगन बॉल को सपोर्ट दिखाओ यार। तो आज हम फर्स्ट कैरेक्टर चुनने वाले हैं पिकलो। भाई पिकलो यार गजब कैरेक्टर है यार, मज़ा आते हैं इससे खेलने में। और हम पिकलो वर्सेस एक सुपर विलन की फाइट कराएंगे हम। तो ड्रैगन बॉल जी के अकॉर्डिंग पिकलो वर्सेस नापा ये बेस्ट फाइट होगी, ये बेस्ट फाइट है यार। नापा ने अकेले ही पूरे जी वॉरियर्स को हराया है, और यहाँ पिकलो वर्सेस नापा सिंगल सिंगल होगी, हैंड टू हैंड। तो देखने वाली बात है कौन जीतेगा। तो यार तैयार हो जाओ, ये सुपर शोडाउन के लिए बहुत ही मज़ेदार होने वाला है ये सुपर शोडाउन। और यहाँ हो चुकी है फाइट शुरू, नापा वर्सेस पिकलो। पिकलो ये हरी सब्जी ऐसा है पिकलो, और नापा ये है हट्टा खट्टा। ओ भाई नापा भाई बहुत ताकतवर है असली में पिकलो से। और यहाँ पे भाई पिकलो यार बहुत ट्राई कर रहा है, पर यार नप्पा बहुत हार्ड। और यहाँ पे पिकलो का अटैक, बट कुछ नहीं हुआ नप्पा को। और यहाँ पे ओ यहाँ पे तो यार बहुत ही बुरी तोड़ दी पिकलो की, पर पिकलो भी ट्राई कर रहा है यार। पिकलो कहाँ पीछे हटेगा अपना, हरी सब्जी अपनी। तो ये हरा भरा दाना पिट रहा है फिलहाल तो, और नापा भारी पड़ रहा है यार बहुत ज़्यादा, क्योंकि नापा नापा हुआ यार बहुत ज़्यादा भारी पड़ता है। ओ भाई अपना मूव, लेकिन अगर पिकलो ने इस पर एक कैनन बीम फायर की तो नापा का वहीं खेल ख़त्म हो जाएगा। और पर ऐसा लगता नहीं है यार, क्योंकि अभी तो पिकलो बहुत हाई पड़ रहा है। ओ भाई डॉच कर लिया यार, डॉच कर ली भाई इसकी कैनन को, लेकिन अगर नापा को पड़ती तो भाई बहुत बुरा हाल होता इसका। एक और वापस डॉच कर लिया यार, और पिकलो भाई चांस नहीं दे रहा नापा यार पिकलो को, सारी पावर डॉच कर ले रहा है। और यार बहुत ही गंदा वाला, और नापा की फुल पावर, पर पिकलो को कुछ हुआ नहीं खास। और यहाँ नापा और यहाँ लास्ट बार ट्राई कर रहे हैं पिकलो, क्योंकि इसके बाद पावर है नहीं। अब एक और भाई एक और बार, पर एक और बार डॉच कर लिया यार नापा ने। और यहाँ पर पिकलो बहुत मार रहा है नापा को, और लगता है पिकलो जीत सकता है। और यहाँ पे कर लिया बरसात भाई पावर अटैक की, और यहाँ पे नापा, बट यार यहाँ पे और लास्ट बार कैनन बीम फायर करने की ट्राई की, बट नापा यार बहुत तेज है, लेकिन अगर पड़ जाती तो यार नापा का खेल एंड था, क्योंकि यार बहुत पावर है इसकी। और यहाँ पे हल्की सी पावर, और लास्ट ट्राई करते हुए बस पिकलो का गेम दी एंड। तो पिकलो यहाँ हार चुका है, बहुत ही अच्छा लड़ा पिकलो, पर नापा के सामने नहीं टिक पाया। नापा बहुत ही ताकतवर विलन था और नहीं टिक पाया। ड्रैगन बॉल जी में तो भाई पिकलो को ख़त्म ही कर लिया था, मतलब मार गया था पिकलो, मर चुका था यार नापा के हाथों। तो भाई आज का सुपर शोडाउन यही होता है एंड। और बताओ यार वीडियो कैसी लगी आ रही है, फाइट कैसी लगी बताओ, और ये भी बताओ नेक्स्ट किस में फाइट बनाई जाए, कौन से करेक्टर में। वैसे अगली तो गेम वो आ रही है रेसिडेंट इविल का 30 पार्ट,
आएगा, और उसके बाद शायद आ सकता है सुपर शोडाउन 4। और बताओ यार, क्या मतलब क्या बनाया चाहे अगली बार, और अगले बार इंटरेस्टिंग करने की होगी कुछ हमारी चाहत, और कुछ समय बाद टूर्नामेंट भी होगा। तो तब तक के लिए बाय, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।